हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि गुजरात सरकार ने 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में हुए बैठक के अंदर जो गुजरात के गृह मंत्री हैं उनके साथ मिलकर ये अभी प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि गुजरात के अंदर 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती है वो की जाएगी बहुत जल्द से जल्द। और ये भर्ती प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। जो भी लेटेस्ट अपडेट, जो भी न्यूज़ है गुजरात पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती से रिलेटेड, वो सारी हम वीडियो में वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फॉर द लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपने चैनल पे लेके आते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल वो सब्सक्राइब कर दें तथा पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें तथा अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसे जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ है, गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019। तो इसके अंदर अभी ये न्यूज़ आई है कि गुजरात सरकार राज्य में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। ये देखिए ये न्यूज़, गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसके प्रभाव में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदीप सिंह जडेजा ने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोक रक्षक दल जवान के पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद ये बात कही। जडेजा ने कहा कि बीते 10 साल में 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई थी, लेकिन गुजरात पुलिस विभाग की ओर से अधिक पुलिस कर्मियों की आवश्यकता थी, इसलिए मुख्यमंत्री विजय सिंह रूपाणी ने 10,000 और अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, सहमति दे दी है। तो सभी स्टूडेंट्स जो गुजरात पुलिस भर्ती का वेट कर रहे थे उनको लिए खुशखबरी है कि वो अभी से तैयारी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि जल्द से जल्द अभी ये महीना जून का महीना है और जुलाई लास्ट या अगस्त माह तक ये भर्ती प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गुजरात पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अगर जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वीडियो बना के वो बता देंगे कि जो भी भर्ती डिटेल है सारी, क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट सारी चीज़ों से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे वन बाय वन। गुजरात पुलिस पर्सनल रिक्रूटमेंट खुशखबरी, गुजरात सरकार जल्दी निकालेगी 10,000 पुलिस कर्मियों के पदों पर वैकेंसी। पाएँ पूरी अभी देखिए ये कंप्लीट जानकारी, गुजरात सरकार पुलिस पदों पर वैकेंसी निकालने के लिए तैयार। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि पुलिस मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 10,000 पुलिस कर्मियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही गुजरात पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये खुशखबरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जो सिलेबस पढ़े तो सिलेबस वही रहेगा एज इट इज़। जो लास्ट ईयर जो पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न था सेम एज इट इज़ पैटर्न भी वही रहेगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, गुजरात में 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, ये वही सेम वही न्यूज़ है कि यानी ये न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ है कि जो वैकेंसी है 10,000 पुलिस कर्मियों की गुजरात सरकार के अंदर, वो जल्दी से जल्दी अभी जो विज्ञप्ति वो भी जारी हो जाएगी। जैसे विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो अभी जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब आई है गुजरात के अंदर वो ये है कि दोस्तों गुजरात सरकार के अंदर 10,000 पुलिस कर्मियों की वैकेंसी वो आज जल्द ही आने वाली है, क्योंकि जो भर्ती को मंजूरी है वो मिल चुकी है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा की तरफ से। तो दोस्तों आपको फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी वो जल्दी आने वाली है, तो आप तैयारी अपने फुल और जोर से तैयारी में लग जाएँ ताकि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें तथा लाइक व शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं उनको पता नहीं है अगर वैकेंसी आ गई तो वो उनके पास भी ये न्यूज़ चली जाए। तो दोस्तों ओके, थैंक यू।